हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ हाइट मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी, जो कि है मेरी यानी खुद की सक्सेस स्टोरी। आप सबके लिए लेकर आई हूँ। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दी प्लीज़ आप अपनी हाइट मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी हम लोगों के साथ शेयर कीजिए कि आपने अपनी हाइट कैसे मैनिफेस्ट की। तो बस आपके लिए आज मैं लेकर आ गई हूँ मेरी ही हाइट मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी को, ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरी सक्सेस स्टोरी सुनकर आप सबको मोटिवेशन मिले एंड आप भी अपनी हाइट को, डिज़ायर हाइट को पा सको, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो बस आपको कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड प्लीज़ इन तक वीडियो ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरी हाइट पहले कितनी थी और अभी कितनी है ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो मेरी सबसे फर्स्ट में, जब मैंने लॉ अट्रैक्शन का यूज़ नहीं किया था, यानी मैं जब हाइट को पाना चाहती थी, तब मेरी हाइट थी 4.9 इंचेस एंड नाउ अभी मेरी जो हाइट है 5.10 इंचेस। सो आई एम सो हैप्पी क्योंकि मेरी जो हाइट है वो फाइनली बढ़ गई है एंड मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आज आप सबको अपनी ही सक्सेस स्टोरी अपने ही लफ्ज़ों में आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ। आपके साथ अपनी जो सक्सेस स्टोरी है उसको मैं आपको सुना रही हूँ। सच में मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी फील हो रही है। मेरी सक्सेस स्टोरी मेरे ही चैनल में अगर मैं सुनाऊँ तो मुझे कैसा फील हो रहा है ये सब मैं ही जानती हूँ, और सुनने के बाद आपको भी बिल्कुल ऐसा ही लगेगा। तो मेरी जो हाइट है सबसे पहले 4.9 इंचेस थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम थी। तो मैं जब मैं कॉलेज में थी, यानी फर्स्ट ईयर में थी, तब मैंने लव अट्रैक्शन का यूज़ करना चाहा। मैंने जब मोबाइल में देखा कि एक वीडियो आया था मेरे सामने, फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा उसको सर्च करके उसको फिर देखना स्टार्ट किया कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, कम से कम बढ़ तो जाए कुछ भी करके। तो बस मैं ट्राई करना चाहती थी कि मेरी जो हाइट है वो क्या बढ़ सकती है। तो वहाँ पर मैंने जा कर के कुछ अफर्मेशन दिए, ग्रैटिट्यूड शो किया वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर भी मेरा कुछ काम नहीं हो पाया। एंड उसके बाद मैंने सोचा कि चलो एक्सरसाइज करके देख लेते हैं तो हो सकता है मेरा कुछ हो पाए, बट कोई चीज़ें मुझ पर काम नहीं कर रही थी। मैं बहुत ज़्यादा जो है कोशिश कर रही थी एक्सरसाइज वगैरह करने की, बट वहाँ पर भी मेरा कुछ नहीं हो पाया। तो फाइनली मैंने सोचा कि इस बार फाइनल ईयर के पहुँचते तक तो मैं अपनी हाइट बढ़ा कर रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, और ये मैं करके दिखाऊँगी। एंड एक चीज़ और आपको मैं बता देती हूँ, बहुत ही मेन जो पॉइंट है वो ये है कि मैंने भी लव अट्रैक्शन का बहुत सारा वीडियो देखा था। वहाँ पर मैंने कमेंट भी किया था कि क्या मेरी जो हाइट है वो बढ़ सकती है दी सर, ऐसे करके बहुत सारे जो लव अट्रैक्शन का वीडियो है वहाँ पर जा करके बहुत सारे वीडियो को देखी थी। तब आप चाहो तो देख सकते हो कमेंट में मेरा जो मैंने जो कमेंट किया है ना कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल आप चेक कर सकते हो। मैंने भी इस चीज़ को एक साल हो गया बहुत ज़्यादा पूछ रखा था बहुत सारे वीडियोज़ में। तो बिल्कुल मैं भी बिल्कुल आप ही लोगों की तरह ऐसे ही कमेंट करती थी कि मेरी जो हाइट है वो बढ़ सकती है क्या, मेरी जो हाइट है इतनी हो सकती है क्या। तो बिल्कुल वहाँ से भी मुझे बिल्कुल पॉजिटिव आंसर मिले थे, कोई कोई लोग निगेटिव भी कर दिए थे, ऐसी बात नहीं है। तो बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव भी दिए कि चलो आपकी हाइट बिल्कुल बढ़ सकती है, आप बिलीव रखो। एंड कई लोगों ने बोला कि इतनी एज आने तक नहीं बढ़ सकती, तो ऐसा कुछ है। तो मैं अपनी बता रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने जो किया है वो सबसे पहले मैंने सेकेंड ईयर में आई, तब मैंने सोचा कि मैं अपनी हाइट को बढ़ा कर ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उसके बाद मैंने जो किया, सबसे पहले मैंने अपनी हाइट को चेक किया कि मेरी जो हाइट है अभी कितनी है। तो मैंने वहाँ पर पाया कि मेरी हाइट वहाँ पर 4.9 इंचेस थी। तो मैंने सोचा उसके बाद मैं अपनी हाइट को लव अट्रैक्शन का यूज़ एंड खुद पर बिलीव करके अपनी हाइट को 5.10 इंचेस तो करके ही। तो मैंने क्या किया था कि सबसे पहले तो मिरर के सामने जा कर के खड़ी हो जाती थी, चाहे कितना भी टाइम हो, सुबह शाम दोपहर एनी टाइम, कभी भी जब मुझे अच्छा लगता है या फ्री टाइम मिलता तो मैं बिल्कुल मिरर के सामने या तैयार होते कुछ भी जा कर के खड़े हो जाती थी
एंड वहाँ पर जा कर के देखती थी खुद को लंबी, जो है मैं लंबी हूँ, टॉल हूँ, मेरी जो डिज़ायर हाइट है 5.10 inches है, बिल्कुल मेरी जो हाइट है वही हाइट है, मतलब 5.10 inches मेरी हाइट है। एंड जब मैं सोने जाती थी, यानी इसका कोई रूटीन नहीं है कि आप सोने जाओ तभी बोलना, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब बस ऐसी बता रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता था कभी भी, जैसे सोने के पहले हो या उठने के बाद, सुबह मॉर्निंग में या फिर ऐसा कुछ खाने वाने टाइम, कुछ भी करते हुए, मतलब जिस टाइम पे मुझको टाइम मिलता सोचने का, तो बिल्कुल मैं वही सोचती थी कि मेरी जो हाइट है वो हो चुकी है, ऑलरेडी टॉल हो चुकी है, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मुझे जो है नए नए कपड़े लेने हैं, मेरी जो हाइट है वो बढ़ चुकी है। तो इस तरह से मैं एक्ट एज इफ करती थी, समझो मैं ऑलरेडी हूँ, यानी आपको जिस तरह सक्सेस होना है तो आप सक्सेस हो चुके ऐसा देखते हो ना, बिल्कुल वैसी ही है कि मेरी जो हाइट है वो ऑलरेडी 5.10 inches हो गई है, ऐसा मैं देखती थी, यानी खुद को विजुलाइज़ करती थी, एक्ट एज इफ भी करती थी, अफर्मेशन, ये सारी चीज़ें अपने आप होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप प्लीज़ ट्राई तो करना एक बार। तो बस ऐसे ही करती थी। फिर उसके बाद मैं जो हूँ सब कुछ लगभग वही 2-3 महीने की मुझे अच्छा लग रहा था, बस वही, आपको जितना भी दिन अच्छा लगे तो कीजिए, वो ना उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए यूनिवर्स पर कि आप जो भी करेंगे मेरे साथ अच्छा ही करेंगे, मेरे साथ जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा, ऐसे करके आप बिल्कुल वो अपने आप लेट गो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बस ऐसे ही आपको करना है, जितना भी दिन अच्छा लगे तो बस उसके बाद आप उसको भूल जाइए, पूरी तरह से हटा दीजिए कि अब नहीं बढ़ रहा है, कब नहीं बढ़ रहा है, ऐसा आपको बिल्कुल सोचना नहीं है, बस फ्रीडमली आपको छोड़ देना है बस। तो उसके बाद मैंने पाया कि मैं जैसे ही फाइनल ईयर के लिए मैं एडमिशन होने गई वहाँ पर, तो मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि सभी लोग मुझे देख करके बस शॉक्ड हो गए कि वाओ, आपकी जो हाइट है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई यार, सच में यू लुकिंग हॉट एंड आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो। ऐसे मेरे सर मैम जो है मेरी मतलब जो क्लासमेट है, क्लासमेट फ्रेंड्स वगैरह है, ये सारे मुझे नोटिस करने लगे कमेंट्स। और हाँ, इस चीज़ को और बता देती हूँ कि ये सारे कमेंट्स को मैंने मन में ही विजुलाइज़ कर लिया था पहले, कि मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं, सर मैडम टीचर इधर उधर जो भी है, मेरे आसपास के माहौल है, उन लोग मुझे ऐसी बातें बोल रहे हैं कि आपकी जो हाइट है वो बढ़ गई है, सच में आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, ऐसा मैंने सोचा था पहले ही। तो बस वही चीज़ें मेरे साथ सेम रिपीट होने लगी कि मेरी जो हाइट है वो बढ़ गई, मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं सब लोग, मुझे देख रहे हैं, बस ऐसी चीज़ों मैंने सोची थी और सच में वही चीज़ें मेरे साथ होने लगी। फिर उसके बाद मैंने जो है पाया कि वाकई में, मतलब सबसे पहले तो आपको कितनी हाइट चाहिए बस यही याद रखना है, दूसरा आपको खुद से अफर्मेशन, एक्ट, विजुलाइजेशन सब अपने आप हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, डोंट वरी। तो बस उसी को करना है कि आप ऑलरेडी हो, मतलब जितनी हाइट चाहिए आपको उतनी हाइट आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, बस आपको वहीं सोचना है। एंड थर्ड स्टेप है जो आपको कर देना है, लेट गो, फाइनली वो लेट गो हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, जो भी आपका मन लगता है उतने दिन करो, नहीं लगता है तो छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पर तो हो गया, आपको कोई भी दिन तारीख ऐसा देखना नहीं है कि कब होगा कब होगा, वह अपने आप हो जाएगा, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिस तरह मुझे सरप्राइज़ मिला, बिल्कुल यूनिवर्स आपको सबको मतलब सरप्राइजिंग देंगे गिफ्ट को, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़ देना है एंड सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा बिलीव आपको मन में रखना है। तो बस मैंने अपनी हाइट जो है सक्सेस स्टोरी आपको सुना दी है, तो आपको बस ये थर्ड स्टेप को फॉलो करना है, यानी सबसे पहले आपको जितनी भी हाइट चाहिए उनको क्लियरली मतलब क्लियरली यूनिवर्स को बता दें कि आपको कितनी भी हाइट चाहिए, यानी 6'2" है, 6'5" है, ऐसा कुछ भी, या फिर कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एंड उसके बाद आपको बिलीव करना है कि वो चीज़ें आपको मिल गई है, और उसको पाने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, तो बिल्कुल आप उस चीज़ को महसूस कीजिए। एंड थर्ड स्टेप है लेट गो, यूनिवर्स पर बिलीव करके आप उस चीज़ को लेट गो कर दो, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको बिल्कुल आपकी हाइट मैनिफेस्ट होकर ही रहेगी, देखना आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी विशेष पूरी हो जाएंगी। एंड यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ें तो हो गई, उसके बाद जो है मैंने क्या मिस्टेक किया था फर्स्ट ईयर में इसको जो है अपने आप पर जब मैं ट्राई कर रही थी, तब मैंने जो मिस्टेक किया है वो ये है कि मैं एनी टाइम बस उसी के बारे में सोच रही थी एंड मेरे मन में निगेटिव फीलिंग आने लगी थी, एंड मैं बार बार मोबाइल में उसी तरह के वीडियो को देखती थी सर्च मार मार के। तो बस वहीं पर मिस्टेक होता था कि मैं बार बार बस उसी में घुसी रहती थी, और बस ये सोचती थी कि मेरी हाइट अब
क्यों नहीं बढ़ी क्यों नहीं बढ़ी, तो बार बार जाकर चेक करती थी कि मेरी हाइट बढ़ी कि नहीं बढ़ी कि नहीं। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, ओके। तो आपको ऐसा करना ही नहीं है, आपको मतलब एक दिन में जितना भी टाइम आपको अच्छा फीलिंग हो बस उसी टाइम में सोचना है, और ऐसा नहीं है कि जब मतलब मुझे सोचना ही है करके ज़बरदस्ती सोचना नहीं है, ओके। तो आपको जब भी अच्छा लगे तो आप सोचो, नहीं लगता है तो हटा दो, एक दिन में एक बार भी सोच लिया तो बहुत है। तो इस तरह से या दो दिन तीन दिन में भी बस निगेटिव फीलिंग मन में ना आए, बस इस चीज़ का आप ख्याल रखना। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, मतलब कोई भी मोबाइल में बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना पता है मैंने बता दिया है, बस इस रूल को फॉलो करो, थर्ड स्टेप। बस उसके बाद आपको कोई भी वीडियो कोई भी लेक्चर सुनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी चीज़ को फॉलो करो, आपको आपकी हाइट जो है जितनी भी चाहो 100% बढ़कर ही रहेगी। और आपको क्या करना है कि बस मन में बिलीव रखना है कि मेरी जो हाइट है वो मुझे मिलकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैंने जो यूनिवर्स से मांगा है वो चीज़ें मुझे मिलकर रहेगी। तो बस आप को इस चीज़ को ध्यान में रखना है, क्योंकि बिलीव के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है। तो इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, तो बिल्कुल आप मुझे बेझिझक पूछो, मैं आपके सारे कमेंट्स का जवाब देती हूँ। एंड प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे ज़रूर भेजें, मैं आपके सारे सक्सेस स्टोरी को शेयर ज़रूर करूँगी। लव यू ऑल।